बराह रास्त आप खुले चलेंगे। एपीटी रहनुमा रऊफ हसन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले अंडर 1843, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया जाए, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को टाइम दिया है, उसकी जो ऑपरेशन है वो टाइम लिमिटेड हो और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऐसे अशखास जो के मुलव्वस पाए जाते हैं इस कंस्पिरेसी में उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि ताले आजमाओ जो लोग हैं उनका आइंदा रास्ता जो है वो रोका जा सके और इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुकूमत जो है वो पनप सके। ये हमारी चंद अल्फाज में ये हमारी डिमांड है। ये इंतहाई सीरियस मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का मामला है और इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इसको दरगुजर नहीं कर सकते। हम डिमांड करते हैं, रिइट्रेट करते हैं उसको कि जी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किया जाए फौरी तौर के ऊपर और उसकी बेसिस के ऊपर, उसकी फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर आगे चला जाए। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक हमारे जिस जो नारोवाल के फेक अरस्तू हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ये ईद की छुट्टियों में, हम उसके ऊपर तब कमेंट नहीं कर सके थे कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए, वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाया है, वो लोग इनके पास गए हैं कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया जाए। यहां भी हमारी अदालतें खामोश हैं। क्या एहसन इकबाल का ये काम है कि इस किस्म की स्टेटमेंट दे? अब जबकि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, अब जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, अब जबकि SIFC जिसको कायम करते वक्त आपने पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे इस मुल्क की आवाम को, वो भी टोटली क्रैश कर चुकी है, अब जबकि पाकिस्तान में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपने कल भी देखा है कि इनके साथ हमारे जो एक हमारा उनके साथ CPAC के कॉन्टेक्स्ट में एक जो एक फंक्शन हुआ है और आज सारे अखबारों की हेडलाइन लगी हुई है, उन्होंने भी ये बात की है कि जी पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और उस पोलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो है वो शायद CPAC भी इफेक्ट हो जाए और पाकिस्तान के तमाम जो आपके दोस्त और बरादर मुल्क रहे हैं वो सब पाकिस्तान के लीडरान को, ये जो जाली लीडरान हैं इनको यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का तरीका जो जाली अरस्तू ने इन्वेंट किया है वो ये है कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए। हम इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए और ये इसकी बेसिस, इसकी सोर्स जो है उसका बारे में देखा जाए और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जाए। ये इस किस्म के बयानात देने से मुल्क की जो कशीदा सूरत हाल है वो मजीद कशीदा होती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती बल्कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है फर्दर। और ये बयान दिया गया उसके बिल्कुल 2 या 3 दिनों के बाद चाइनीज डेलीगेशन आया और उन्होंने एक ओपन सेशन में पाकिस्तान के बनानों से कहा कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो लेके आए अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर ना स्टेबिलिटी आई तो इवन CPAC की जो प्रोग्रेस है वो भी इफेक्ट हो सकती है। सो ये ऊपर नीचे ये लोगों ने बहुत कुछ कह रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा वक्त लेके इनको हाईलाइट करता जाऊं ताकि आप उनको रिपोर्ट कर सकें। तीसरा जो इशू है हमारे पास वो है, एक बड़ा पुराना इशू है, वो है काजी फैज ईसा साहब का इशू है जी। हम उनका एहतराम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और उनकी फैमिली का इमरान खान, PTI और PTI के बारे में, और हम फील करते हैं कि अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, समझें और एनालाइज करें तो शायद उनका उन केसेस में एक जज के तौर के ऊपर बैठना जिसमें PTI या इमरान खान के बारे में वो केसेस हों वो बनता नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का 5-मेंबर बेंच था जिसने एक जजमेंट पास की हुई है, मुझे याद नहीं कब थी, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने कहा था कि काजी फायजीसा साहब किसी ऐसे केस में बेंच में शरीक नहीं होंगे, उसका फर्द नहीं बनेंगे, मेंबर नहीं बनेंगे जो इमरान खान साहब के बारे में हो।
हम ये आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर सकते हैं, मांग लीजिएगा, रिजवान साहब या सिपकत साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच की जजमेंट मौजूद है कि काजी फायजीसा साहब इमरान खान के बारे में किसी केस में एक मेंबर के तौर के ऊपर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ये वो जज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बैट का सिंबल जो है वो लिया था, और बैट के सिंबल की रिव्यू पिटिशन तो हमने बहुत देर से दी हुई है, उसको लगाने की बजाय इन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जी बैट का सिंबल पीटीआई से हमने सही लिया है, और उसकी जस्टिफिकेशन इन्होंने पेश की थी, और इन्होंने ये भी डिनाई किया था कि पीटीआई से हमने कोई स्पेस जो है वो ली है, बल्कि ये कहा था कि हमने उनको भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह आज़ादी दी गई है। सो ये तमाम वो चीज़ें जो कि इनका बायस शो करती हैं। योग चीफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेटर लिखना जो है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हमारे पास भी उसकी कॉपी है, वो भी आपको दी जा सकती है। काजी फायजीसा की कोर्ट के अंदर जितनी भी केसेस में ये बैठे होते हैं उसमें बसा औकात इन्होंने 9 मई को रेफ़र किया है, और जब भी ये 9 मई को रेफ़र करते हैं तो ये इस तरीके से करते हैं जैसे कि ये पीटीआई ने 9 मई करने की जिम्मेदार है। तो ये भी उनका एक इनहेरेंट बायस जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं पीटीआई को 9 मई की रेफरेंस से, जबकि हमारी कंटेंशन ये है कि 9 मई के जो परपेट्रेटर्स हैं उनका उस वक्त तक तायुन नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना हो और वो तमाम शवाहद दे के उसके बाद फैसला करे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद जो उसके मुजरमीन हैं उनको उनके उनके गुनाह के मुताबिक या उनकी जुर्म के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। तो ये भी इनसे भी उनका एक जो बायस है वो ज़ाहिर होता है। इसके अलावा 1843 के तहत जितने भी केसेस जो हैं सुने गए हैं वो तमाम को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब खान साहब की बारी आती है तो वो लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता। ये एक पेटेंट बायस है जो कि जाहिर करता है कि खान साहब के बारे में, जब खान साहब के केस को क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम किया था जैसे कि बाकी तमाम केसेस जो हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जब जजमेंट डिस्पेंस करती है तो सबके लिए एक ही कानून के मुताबिक करती है, तो फिर वो खान साहब के बारे में जब उनकी बात आती है तो क्यों वो कानून बदल दिया जाता है, क्यों इनका बायस जो है वो सामने आ जाता है। तो हम ये भी उनके इस चीज़ का एक सबूत है कि खान साहब या उनके बारे में केसेस जो हैं उसके बारे में उनका एक इनहेरेंट। इसके अलावा जो काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा है उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक स्टेटमेंट उनकी ये थी जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जो मनी ट्रेल दी है उसके बारे में मुझे शदीद तहफ़ुज़ात हैं, ये मनी ट्रेल नहीं ठीक। कोर्ट जजमेंट देती है कि वो सादिक और अमीन है, और बेगम ईसा जो है वो स्टेटमेंट देती हैं कि जी मुझे डाउट्स हैं इसके बारे में और मैं इस मनी ट्रेल को नहीं मानती। ये उनकी स्टेटमेंट हमारे पास ये मौजूद हैं इसके वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स जो है सारे। इसके अलावा खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर रिमूव करने की उन्होंने डिमांड की हुई है जी, और वो बेसिस उन्होंने बनाया था कि इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। कोर्ट की जजमेंट एक है और काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा जो है वो उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो है वो बयान दे रही हैं कि जी इनको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिमूव किया जाए। इसके अलावा इसी चीज के सिलसिले में इन्होंने उनको कहा था जी कि आप मेरे साथ लाइव टेलीविजन के ऊपर पीटीआई के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। एक जानिब कौमी असेंबली का इजलास जारी है, एक तरफ सिंध असेंबली का बजट सेशन शुरू हुआ हुआ है, जबकि एक जानिब पंजाब असेंबली का इजलास भी जारी है।